का तो क्लास चलता ही चलता है, लेकिन वार्तालाप का क्लास अभी शुरू हुआ। क्योंकि जैसे जैसे शूटिंग पीरियड में तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे माया का परछाया बढ़ता जा रहा है, तो प्रश्न चित्त होते जा रहे हैं, ये सारे प्रश्न पैदा होते हैं पुरुषार्थी जीवन में। उन प्रश्नों को अंदर अंदर नहीं रखना चाहिए, क्या अंदर वो कचड़ा रखने से फिर वो अंदर अंदर विस्तार को पाता रहता है। इसलिए बातें अगर आती है, संशय पैदा करती है, तो उनको क्लियर करना जरूरी है। इसका मतलब आप जो रिसेंट वाणियां चल रही हैं वो सुनते नहीं है, इसलिए भूल विवाद बार बार पूछ रहे हैं। ये जो अभी कैसेटें चल रही हैं, जो सीढ़ियाँ चल रही हैं, उनमें कम से कम 4-6 सीढ़ियों में ये बात बताई गई है, क्या कि विजय माला की है, कब आवेगी वो बता दिया। विजय माला की ऐड माने वैष्णो देवी, तीन देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर, तो दो मूर्तियां तो क्लियर हो गई कि आवेंगी, अभी क्लियर हो गई आवेंगी, आ चुकी है, उनकी बात पूरी नहीं हुई अभी, जब आएगी तो दो मूर्ति वो तो क्लियर हो गई, ब्रह्मा की मूर्ति और विष्णु मूर्ति कहाँ क्लियर हुआ, शंकर की मूर्ति ये तो क्लियर हुई, इनका टाइम भी पास हुआ, होने वाला है, होने वाला है। अब रह गई तीसरी मूर्ति जिसे कहते हैं वैष्णो देवी या विष्णु देवता, है ना, तो वो कब आवेगी, इसका जवाब जो है वो दिया गया है कि हर मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए अंतराल का टाइम होता है, क्या कुछ अंतराल दिया जाता है, जिस अंतराल के टाइम में वो मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। तो यज्ञ के आदि में भी 14-15 साल का अंतराल आया, शुरुआत में 14-15 साल तक कोई मूर्ति प्रत्यक्ष नहीं हुई, सन 36 से लेकर के और सन 51-52 तक भी कोई मूर्ति पक्की पक्की किसी की बुद्धि में नहीं आई। 52-53 में पहला सेंटर खुला, कमलानगर सेंटर, उसका नाम दिया गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, और उससे पहले माउंट आबू का भी नाम दिया गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। उससे पहले इस संस्था का नाम क्या था, ओम मदनी। कराची से जब से मुरली निकलती चली आई है तब से बुद्धि में ये बैठ रहा है धीरे धीरे कि ये ब्रह्मा का पार्ट है। तो 15-16 साल लगे ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष होने में, फिर दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगा, 37 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, 37 साल पूरे हुए और ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया 69 में। तो तब से लेकर के और 7-8 साल जब पूरे होते हैं, प्रत्यक्षता वर्ष और संपूर्ण वर्ष मनाया जाता है, तो दूसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष हो जाती है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो कितने साल लगे, 69 से लेकर के 76 और 77 तक कितने साल हुए, हैं 69 से लेकर के 76 और 77 तक 8 साल हुए। तो 8 साल लगते हैं दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने, पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 15-16 साल तक भी लग गए,
और दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 8 साल भी लग गए, तो तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कुछ टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? कितना टाइम लगेगा? है 4 साल लगेगा। कल की शूटिंग मनसा के आधार पर जो हो रही थी वो 2004 में पूरी हुई रुंग वर्ष सहित, तो 2005, 6, 7, 8 ये 4 साल पूरे होने देंगे तभी तो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी। आपके प्रश्न का जवाब आ गया है? तो आप सन्मुख लेना चाहते हैं हर बात का जवाब है? सेकंड क्लास माल से नहीं लेना चाहते? मम्मा जो घूंघट में है कहते हैं मम्मा का घूंघट तो उगरेगा। अच्छा, घूंघट में रहने वालों में, घूंघट में जो रहने वाले हैं जितने भी दुनिया में, उनमें सबसे बड़ा घूंघट कौन से धर्म में प्रसिद्ध है? मुसलमानों में कौन सा घूंघट होता है? क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं उसको? बुर्का है, उसी को देख रहे हैं, पहनते हैं सर पर, नाम रख देते हैं बुर्का। तो जो बुर्का पहनते हैं उनका रूप कौन सा दिखाया जाता है? जो भारत की देवियों में भी एक देवी का रूप दिखाया जाता है, काली है। बहुत जल्दी याद आ गया है। तो पूछते हैं कब आवेगी जगदम्बा? लास्ट में जब तमो प्रधान बनती है तो कौन सा रूप धारण करती है? महाकाली का रूप धारण करती है। तो कब आवेगी? इंतजार कर रहे हैं? जब आवेगी तो 8 बचेंगे और बाकी सबका खाने से क्या करेगी? फिर खराब कर देगी। तो आवाहन कर रहे हैं, मौत का आवाहन कर रहे हैं? मौत का आवाहन करना है या जिंदगी का आवाहन करना है? मौत का भी है। मौत का आवाहन नहीं करना है, जीते जी स्वर्ग में जाने का, जो जीते जी स्वर्ग में ले जाने वाली है उसका आवाहन करना है। अम्बे तवाणी बाबा ने कभी बोला कि महाकाली का आवाहन करना है? है, उसका आवाहन नहीं करना है। बाबा ने तो अम्बे तवाणी ये बोला कि जो विजय माला है उसका आवाहन करना है। विजय माला की हेड का आवाहन करेंगे तो विजय माला तो सही आ जाएगी। तो ये पूछना रॉन्ग है क्या कि बड़ी मम्मी कब आवेगी? इसलिए बोला कि अभी घूंघट में है, थोड़ा धीरज धर मनुआ, धीरज धर आवेगी, तैयारी हो रही है। वैसे भी बोल दिया प्रकृति अभी दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के तैयार खड़ी है, बाकी कब आवेगी आना ही होगा। वो आना ही होगा, होगा। अच्छा वो मिश्रा उसे नेपाल से छूटने के लिए बहुत इंतजार करती हूँ। नेपाल से छूटने के लिए बहुत इच्छा करती हूँ। बंधन में क्यों मैं इतना नेपाल में मेरे संबंध से मैं बहुत दूर होती हूँ। सीता बेटी वहीं रहती है, बाबा चिठी भेजाते हैं, माता आ जाओ, चिठी 2 साल आगे में मिला हूँ हमको, चिठी जाने में बेटी से ये देवी माता, देवी माता के हाथ से मैं बहुत बंधन में रहती हूँ, भटकती हूँ, मेरे मन शांति नहीं है, नेपाल में रहने के शांति नहीं है, तेलंगाना होने के लिए इच्छा है। नेपाल हद का और नेपाल बेहद का, आप ये कहिए कि हम हद के नेपाल से छूट करके बेहद के नेपाल में जाना चाहते हैं, बाकी नेपाल को भी छोड़ना है। नेपाल तो बहुत अच्छा है,
क्या नई दुनिया का पालना करने वाला नेपाल, क्या नई दुनिया की पालना करने वाला नेपाल, और नेपाल को छोड़ेंगे तो क्या पुरानी दुनिया में जाएंगे? नेपाल में तो एवरेस्ट चोटी है क्या, दुनिया की पूर्वी सभ्यता की सबसे ऊंची चोटी, इसकी यादगार है नेपाल, थोड़ी छोड़ना है, हद को छोड़ करके संबंध मेरे बेटा बुआजी सब संबंध है, मेरा माई माता जी है, भैया है, बहुत मेरे को तंग करते हैं, कितना ये हमके पूछे नहीं है, किसका किसका हमके हत्के भी नहीं खाते, हमके मकान मेरे नहीं खाते। बाबा तो कहते हैं कि हम तो बबुले इकट्ठे रह न सके, हैं इकट्ठे रह सकेंगे हैं आपको, अभी अभी बाल बच्चे कोई बच्चे अच्छे हैं नहीं, नहीं है ना, नहीं, दूर दूर नहीं। तो आपकी बच्ची जहाँ पहुँच गई तो वहाँ आपको पहुँचा हम, क्या अड़चन, क्या अड़चन क्या है? नहीं मेरा बेटा भी इच्छा से खाते कोई तो अभी बोला ना बाबा मेरे बंधन है, मेरे अब जब इरा चल रहा है मेरा छह महीना के बाद बताए बोला था ना तुम इलाज कराओ अच्छा होगा आगे समर्पण हो जाए, वहाँ दिल्ली बोला था ना बाबा दिल्ली में कोई बात बड़ा बेटी, अभी मेरा भी यही संकल्प है कि तब नहीं जा रहे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी होगी आसाम में, तो उसकी शादी हो चुकी है तो पूरा परिवार निकलेगा तभी तो निकलेगी परिवार ऐसे कैसे शरीर हो गई इसको परिवार से दूसरा शादी कराया होगा, दूसरी शादी करा दी इनका, ये बोले इनके ये बोलने दूसरी शादी कर ली, अच्छा इनको छोड़ दिया अभी अलग हो गया, इनका थोड़ा पैलेस हो गया, इनके कारण पैलेस को विवाद देख रही इसीलिए झंझट, अच्छा इसलिए बंधन आ गया, परवरिश का बंधन आ गया, छह महीने का बात बताया, दो महीना हो गया और चार महीने, तो अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, चार महीने लगे, चार महीने धीरज धर्म हुआ, धीरज धर्म अभी अभी जो क्लास में पर्सनल प्रश्न नहीं चल रहे जो बोला है होगा किसी बर्मा से बीसवीं एक सेकेंड में होगी और कब होगा, वही तो बात बताए, ब्रह्मा जो है वो कृष्ण की आत्मा है ना, वो कृष्ण की आत्मा अपना शरीर छोड़ करके अभी सूक्ष्म शरीर से पाठ बजा रही है ना, तो सूक्ष्म शरीर से जब तक पाठ बजाती है तो गुलजार दादी वो पहुंच जाती है पाठ बजाने के लिए, और वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जब शंकर में प्रवेश करती है तो उसके संग के रंग से निराकारी स्टेज में आ जाती है, आती है ना, तो जब निराकारी स्टेज में आती है तब तो पढ़ाई पढ़ती है, लेकिन पढ़ाई पढ़ते हुए भी पूरा बुद्धि में नहीं बैठता क्या कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ निराकार है, उनकी बुद्धि में जब ये पूरा बैठ जाएगा क्या कि गीता का भगवान मैं कृष्ण की सोल दादा लेखराज का साकार स्वरूप नहीं है गीता का भगवान, लेकिन गीता का भगवान कौन है शिव शंकर भोलेनाथ है, तो एक सेकंड में उनकी मुक्ति हो वे एक बात जो है वो रोके हुए है उनको, अच्छा यहाँ तो सबकी बुद्धि में बैठ रहा है कि गीता का भगवान कौन है, यहाँ तो बैठ रहा है, उनकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठ रहा है, नहीं क्यों नहीं बैठ रहा है इसका क्या जवाब, संबंध है ना, हाँ संबंध, वो 63 जन्मों का जो संबंध है ना वो संबंध है ऐसा जुट गया है गीता माता के साथ कि होनी चाहिए उनकी माता, लेकिन माता की बुद्धि में दिल में कृष्ण की छाप पड़ गई, इसलिए उनकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है,
कि गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ। जिस क्षण ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी उसी क्षण सारा क्या हो जाएगा परिवर्तन, ब्रह्मा तो विष्णु बन जाएगा। जब तक वो उनका संबंध उनके साथ आया तब तक ये अव्यक्त माइंड चलता रहेगा ना, तब तक चलता रहेगा तो उनका पार्ट चलता ही रहेगा। वो तो इनको बोलता है बाद में आके अव्यक्त माइंड में जो वो तो गुलजार दादी है इस स्थूल में, लेकिन दुनिया को गुलजार करने वाली कोई दादी होगी ना दुनिया की है? किदाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तो रुद्रमाला में कोई दाना है ना ऐसा क्या जिस एक के पावन बनने पर सारी दुनिया रुकी हुई है? एक पतित बनता है तो सारी दुनिया पतित हो जाती, एक पावन बनता है तो सारी दुनिया पावन बन जाती। तो पहले प्रजापिता पावन बनेगा कि पहले माता गुरु पावन बनेगी? पहले माता गुरु का उद्धार होना चाहिए। स्वर्ग का गेट कौन खोलेगा? माता खोलेगी ना, तो जो स्वर्ग का गेट खोलने का निमित्त है उसका उद्धार पहले होना चाहिए ना क्या? उसका उद्धार पहले होना चाहिए तो सारी दुनिया का उद्धार हो जाएगा। हाँ माया बेटी तेरे अभी तो कोई श्रृंगार नहीं हुआ, तेरे माया बेटी श्रृंगार होगा बोला था किसने? बुद्धि से माया बेटी श्रृंगार हुआ। माया बेटी कौन है बाबा? इस बात से कोई आधार मूर्ति में भी होगी जड़ के रूप में, और कोई उसकी बीज भी होगी बीज के रूप में। बेसिक नाली में जड़ के रूप में कोई माया बेटी है है? जो इस समय सारे ब्रह्मा ब्राह्मण परिवार को बरगलाए रही है क्या कि ये भगवान नहीं हो सकता साकार में? क्या भगवान तो गीता का भगवान साकार में दादा लेखराज ब्रह्मा ही था, ऐसे कौन है? ये भी कोई मुख्य हो मुखिया होगी कौन है वो है? जन्म की दादी जानकी दादी जो हेड होगी तो पहले हिंदुस्तान में होगी तो विदेश में होगी, जो सारे ब्राह्मण परिवार को बरगलाने वाली है वो भारत में होगी कि विदेश में होगी? हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस कहाँ है? भारत में है विदेश में? भारत में। भारत में है तो उसको उसको संचालन करने वाली मुखिया कौन होगी? है? पता ही नहीं। चलो इनको बता देना बाबा। एक प्रश्न है, है? ये नेपाल भूमि है, है? इसमें पशुपतिनाथ भी है, है? हाथ का भी है, है? हाथ का भी पशुपतिनाथ मंदिर है। हाँ? अभी आदमी आप बैठ सकते हैं सबको नाथ कर लिया, सबको नाथ कर लिया तो वो मतलब नहीं, बंदे, नहीं, बंदे, बंदे नहीं बनता है बच्चा जो ग्राउंड बच्चा, लेकिन मुख्य जो पशु है। हाँ? दुनिया का मुख्य पशु कौन सा है जिसके ऊपर शंकर जी की सवारी दिखाई जाती है? वो कौन है? वो आत्मा कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा तो उसके ऊपर सवारी की जाए, जो मुरली में कहा है कि शंकर जी जो शिव की सवारी होती है शंकर के ऊपर, और शंकर की सवारी है बैल के ऊपर, तो बैल पर कैसे सवार होते होंगे? हर जम्प लगाते होंगे और सवार हो जाते होंगे। अच्छा मैं कहने का मतलब बेहद के यादगार में कहाँ पर है इसका मंदिर? नेपाल में ही है। नहीं बेहद के मतलब बेहद की यादगार पशुपतिनाथ की कहाँ है? हाँ जी नेपाल में ही है। पशु माना बैल बना ब्रह्मा और उसका पति पति कौन हुआ? शोभा। अरे तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है तो किससे बोल रहे हैं? ब्रह्मा से बोल रहे हैं या तुमसे बोल रहे हैं? ब्रह्मा तो बागी में रखा हुआ है उसे तुम कहाँ कहते हैं? तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है तो तुम्हारे में मुख्य कौन है? तुम्हारे मुख्य कौन है?
तुम्हारे में जो उन्होंने कहे तो आप लोग हो गए ना, तुम्हारे एडवांस पार्टी की हुए, एडवांस पार्टी में मुख्य कौन है? वो तो कहने वाला ही है जगदम्बा, उनसे कहने तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है, तुम भूल गई। तो तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है, उनका पति के कौन है? वो बैल हुआ ना, बैल हुआ पति, वो हुआ गैया। गैया में मुख्य गैया कौन? अरे अरे कथा आती है गुरु गुरु वशिष्ठ से, विश्वामित्र ने कहा कि अपनी गैया हमें दे दो, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। क्या देने से मना कर दिया? जब उन्होंने मना कर दिया तो विश्वामित्र जी ने कहा हम फिर तुमसे युद्ध करेंगे और युद्ध करके हम गैया ले लेंगे। विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, उन्होंने युद्ध किया तो युद्ध करते करते उन्होंने सारे शस्त्र छोड़ दिए वशिष्ठ जी के ऊपर। और वशिष्ठ जी क्या कर रहे थे? अपना डंडा आगे कर रहे थे। दंडी स्वामी होते हैं ना, क्या वो डंडा आगे कर रहे थे। तो डंडे में ऊपर गौमुख बना होता है, क्या है? तो वो विश्वामित्र जी समझ गए, तो उनका दिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, क्या धिकार है ऐसे क्षत्रिय बल को, है ब्रह्म तेज ही दुनिया का सबसे बड़ा बल है। ब्राह्मणत्व का जो तेज है वो है प्योरिटी का बल, प्योरिटी की ताकत, ब्रह्म तेजो बलम बलम। एक में शस्त्र है ना सर्वे में शस्त्र आता, एक ही पवित्रता के शस्त्र से इसने मेरे सारे शस्त्रों को काट दिया था, तो सारे शस्त्र कट गए। तो विश्वामित्र की समझ में आ गया क्या अब ये चीज हमें धारण करनी पड़ेगी। क्या धारण करना पड़ेगा? पवित्रता का बल मुझे धारण करना पड़ेगा। तब फिर उन्होंने दोबारा तपस्या की और तपस्या करके वो ब्रह्म ऋषि बन गए। कथा शास्त्रों में आती है। और ब्रह्म ऋषि बन करके उन्होंने गैया को हमसे ले लिया, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि कौन हुए? वो कौन है विशिष्ट ऋषि? अरे युधिष्ठ जो आया तो वशिष्ठ है, कौन है युधिष्ठ? है बीच में रोड़ा आ जाता है ना, देहाभिमानी रोड़ा है। जितने भी जानवर दिखाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा देहाभिमानी कौन सा जानवर दिखाया जाता है? हाथी। बनाने का भी कोई निमित्त बनता है, मिलाने का भी कोई निमित्त बनता है। जिस आत्मा ने विसर्जन करने के लिए निमित्त बना वही आत्मा फिर मिलाने के लिए मिलाने का निमित्त बनेगी या अलग अलग आत्मा है? अलग अलग कोई आत्मा होगा, कोई विसर्जन कराने वाला होगा। जो सारी दुनिया को पतित बनाने के लिए निमित्त बनेगा, वो सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए भी निमित्त बनेगा या नहीं? एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। है? अच्छा ब्राह्मणों की है, जो एडवांस की ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें अलग अलग करने के निमित्त कौन बनता है? बच्चे। है? बच्चों में कौन बच्चा मुख्य? पहले बच्चे कौन है? है? वो तो अभी बच्चा आया ही नहीं, तो शरीर से कहाँ है निमित्त माना साकार? जैसे कि सोलह भी साकार में है क्या? है?
किसी वचन में प्रवेश करते हैं। कोई कोई होगा ना देवित गणेश जी का, गणेश जी की निर्माण कैसे हुआ? अभिमान का मैल है, होते अभिमान के मैल से पैदा हुआ, बनाया गया। हाँ जी, क्या पूछ रहे? माउंट आबू में कब से शुरू हो रहा क्या है? जब गीता पाठशाला वालों को अपनी गीता पाठशाला छोड़नी पड़े, कब छोड़ रहे बाबा बोल रहे हैं? बाबा भी कह रहे हैं गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, माउंट आबू वालों को माउंट आबू छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे, इतनी इमरजेंसी होगी। मुरली में बाबा बोले हैं माउंट आबू सब खरीदना है। हाँ, बाबा ने बोला है कि आबू सारा ही खरीद करना पड़ेगा, नहीं तो इतने 4.5 लाख बच्चे कहाँ रहेंगे? अभी 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 ये कासर बच्चा की आबादी कितनी है? लगभग 50,000। कहाँ 50,000? अब कहाँ 4.5 लाख, दसगुनी आबादी हो गई। तो कांकर भिट्ठा में इतनी जगह है, उसकी दसगुनी जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? है तो फिर कहाँ रहेंगे? जो ब्रह्म कुमारी आश्रम और जो ज्ञान सरोवर बना हुआ है वो तो बहुत थोड़ी जगह में बना हुआ है। वो खरीदने के लिए पहले तो बनाना पड़ेगा कि बाद में होगा बाबा? अरे पहले रहेंगे कि पहले खरीदेंगे? पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो खरीदना पड़ेगा। सब कुछ अपने आप करेंगे कि बना बनाया मिल जाएगा? उनको तो सारा करना पड़ेगा ना, बना बनाया भी चलो पिछले जन्म के पुरुषार्थ के अनुसार कुछ मिल जाए थोड़ा बहुत, वो बात अलग है, लेकिन ज्यादा अच्छी चीज तो वो होती है जो खुद कमाई जाए। पैसा कभी हो रहे तो बाबा का बात ले करके माउंट आबू में खरीद नहीं सकते? चल जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा हो सोच रहे हैं कहाँ लगाए, बैंकिंग में फेल हो जाने वाली है, और जो 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 कंपनियां निकल रही हैं प्राइवेट वो भी फेल हो रही हैं, हैं? घर में रखे हैं तो चोर चोर लूट ले जाएंगे, ये भी इसकी भी कोई गारंटी नहीं। जमीन उगाड़ देंगे, जमीन हिलेगी पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा, वो भी गारंटी नहीं है। आग भी लग सकती है, आगजनी भी आगे चल के होनी है, तो आखिर कहाँ रखे हैं? और पैसे को वो जो प्रॉपर्टी कमाई जिंदगी वो कहाँ डाले? एक समस्या है लोगों के सामने, क्या करें? है? है? अरे ऐसा करें जो बिल्कुल अविनाशी चीज है, विनाश होने का सवाल ही नहीं। क्या अविनाशी है? अरे इतनी बड़ी दुनिया में कोई ऐसा स्थान होगा जो विनाश के टाइम तक अविनाशी बना रहे? सारी दुनिया का विनाश होगा लेकिन उस स्थान के ऊपर तपस्या के बल से कोई आंच नहीं आने वाली है। वो कौन सा स्थान है? धब्बे अंत तक ऐसे जाएगा? छोटा मोटा जो विनाश होता रहेगा बड़े बड़े शहरों का, बड़े बड़े राज्यों का, तब तक तो रहेगा, बाकी लास्ट में तो अणु अणु मिलकर के सब एक जगह पहुंच जाएगा। दुनिया का जो भी अणु है जहां से चलता है साइकिल पूरा करके 5,000 वर्ष का वही पहुंचता है। जो पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश के जो अणु अणु है वो भी जहां से शुरू होते हैं सारा साइकिल लगा करके फिर वही पहुंच रहे हैं। तो आखिरी जो 5-7 रोज का विनाश होगा उसमें तो चाहे माउंट आबू पार हो चाहे कुछ भी हो सब खराब होना ही है, लेकिन तब तक तो सुरक्षा बनी रहे है, इसलिए सेवा में तो लगे आखिरी क्षण तक तो लग जाएगा, गारंटी है। तो एक आत्मा विषय में प्रश्न है?
आत्माओं के विषय एक प्रश्न है, जैसे जगदू मुरली ने सुना है कि जो झाड़ होता है पेड़ पौधे उसमें आत्मा होता है, तो और जीव प्राणी में तो है ही जो, और जीव जंतु उसमें आत्मा है ही, और वो जीव जंतु जैसे वो तो साकार और मांसाहार के बात आते है ना, जैसे जो साकार बोलेंगे और जो वनस्पति को यूज करेंगे फिर वो आत्मा है, तो उसको हटना ही हुआ, उसको काटेंगे डालेंगे, पेड़ पौधे को काटेंगे डालेंगे तो उसको पाप नहीं करता क्या बोला? क्यों नहीं करता है? उतना नहीं करता है जितना मनुष्य को काटने से पाप करता है। मनुष्य ज्यादा वैल्यूबल है, पेड़ पौधे ज्यादा वैल्यूबल है? मनुष्य की किसी ने सुरक्षा कर दी और पेड़ पौधों को काट दिया तो ज्यादा ज्यादा पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा? एक तरफ किसी ने पुण्य किया, मनुष्य को हत्या होने से बचा दिया, और एक तरफ पाप कर दिया, पेड़ को काट दिया, पेड़ को काटने से उसकी हत्या होने से बच गई, तो ज्यादा पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? ज्यादा वैल्यूबल को बचा लिया, और जिसकी कम वैल्यू है जिसमें बुद्धि ही नहीं है, जड़ बुद्धि है, चैतन्य है ही नहीं, चैतन्यता तो है पेड़ पौधों में भी चैतन्यता है, लेकिन जड़त्वमयी चैतन्यता है, तो हो उसको 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 क्या नाम बलि दे करके और मनुष्य को बचा लिया, तो पुण्य हुआ या पाप हुआ? है पुण्य हुआ ना, मुकाबले में कंपैरिजन करने कंपैरिजन में पुण्य ज्यादा हुआ। इसका वास्तव में वो वनस्पति भी आत्मा है ना, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है, मुरली में बोला तो पेड़ भी आवाज करते हैं ना, पेड़ भी हिलते जुलते हैं कि नहीं, बड़े होते हैं कि नहीं, बड़े होते हैं तभी तो वो ये कहा जाएगा कि हाँ उसमें चैतन्यता है, हाँ जड़ तो वही है। और नेपाल में एक सीता का जन्म देखा है, सीता का जन्म भूमि जो नेपाल में देखा है, उसका ये हाथ में क्या कनेक्शन है, बेयर में क्या है, जो उसका दिखाया कि जो जनक राज ने जब हले से जोते हुए उनको एक बक्सा में मिला था, धरनी धरनी जब जोत रहे थे तो धरनी को जोतते समय उसमें घड़ा निकला, वो नेपाल में दिखाया था, नेपाल में कोई बुद्धरूपी घड़ा निकला, तो नेपाल की सेवा ही तो हो रही है, नई दुनिया का पाल ऐसे तो बेहद का अर्थ है, नई दुनिया का पालने वालों का जो जकीरा है उसको नेपाल कहा गया है, वही तो काम चल रहा है, वो घड़ा फूटा तो उसमें पिताजी निकली बाबा। ये जो समुद्र के जो जो बैल दिखाया है, जो बैल जो बैल जो बात बोली तो ब्रह्मा सही बात है, लेकिन समुद्र के पास में तो बैल है, लेकिन जो जो दुर्गा है ना, दुर्गा का पास में एक जो शेर दिखाती है, उसका उसका जो कौन है हमारे इधर इधर में जो हमारे ज्ञान में हो सकता है निमित्त, इसीलिए तो शेर दिखाया गया है उनके ऊपर चढ़ा हुआ नाथा नाथ कर रहा है ना शेर को, शेर नहीं जो जो शेर है वो सब जानवरों को खा पी के खत्म कर देता है, क्या सब जानवरों को चीर फाड़ देता है खा जाता है, वो कौन है? जानवर उद्योग का सफाया कौन करता है इस दुनिया में, निमित्त कौन है, कौन है वो शेर? जो दुनिया के जितने भी जानवर हैं, जानवर बुद्धि है, उन सब जानवर बुद्धियों को चीर फाड़ के खा जाता है, दुनिया खाली हो जाती है जानवरों से, देवता ही देवता रह जाते हैं, वो कौन है? वैष्णव देवी। अरे शेर की बात कर रहे हैं तुम, शेरनी की बात कर रहे हैं, शेर शेर की बात कर रहे हैं, दुर्गा के ऊपर हाँ बैठा, वो शेर कौन है? जो दुनिया के सारे ही जानवर बुद्धियों का सफाया कर देता है, चीर मार के कहा जाता है, गंगा की सवारी मगरमच्छ पे दिखाई गई, जगदम्बा की सवारी शेर पे दिखाई गई, वो मगरमच्छ कौन है?
मगर देश कौन सा है? मगर मच्छों का देश, भूल गए। यूपी हाँ, गंगा यमुना का जो दुआबा है बीच का प्रदेश, तो मगध देश कहा जाता है। उस मगध देश में मगरमच्छ बहुत होते हैं, गंगा जी में यमुना जी में। तो जो मगरमच्छों का देश है, उस मगरमच्छों के देश में ही गंगा हुई होगी ना, गंगा की सवारी मगरमच्छ के ऊपर। मगरमच्छ किसको खा जाता है? जितनी भी मछलियाँ होती हैं, जितने जीव जल जंतु होते हैं, उन सबको खा जाता है। तो कौन है, है? कौन है मगरमच्छ? गंगा सतो प्रधान बने तो मगरमच्छ को सवारी करेगी, या गंगा तमो प्रधान होगी तब मगरमच्छ को सवारी करेगी? जब संपूर्ण बनेगी तब मगरमच्छ को सवारी करेगी, या जब अपूर्ण होती है तमो प्रधान होती है तब मगरमच्छ को सवारी करती है? है? जब संपन्न होती है, सतो प्रधान बनती है तो मगरमच्छ पर सवारी भी करती है। ऐसे ही जगदम्बा, जब जगदम्बा बनती है सतो प्रधान होती है तब तेज रूप पर सवारी करती है, या जब तमो प्रधान महाकाली बनती है तब सवारी करती है? संपन्न बने तो सवारी करे। प्यार के पीछे सारी दुनिया झुकती है। सच्चा प्यार नहीं है, झूठा प्यार है, व्यभिचारी प्यार है, तो झुकने का सवाल होगा? नहीं सकता। एक पुरुषार्थ का सवाल है, जैसे अभी जैसे दिन प्रतिदिन नजदीक आता आ रहा है, इसे समय के हिसाब से परिवर्तन है, लेकिन बच्चा ब्राह्मण परिवारों में एडवांस ब्राह्मण की दुनिया में भी पुरुषार्थ का गति थोड़ा हल्का दिखाई देता है। थोड़ा क्यों? मतलब दुनिया बनती जा रही शूटिंग के हिसाब से, चल रहा है तो और नीचे गिरेगी कि ऊंची उठेगी? इसीलिए आगे बढ़ने से फिर तव लक्ष्य की प्राप्ति बैठी होगी फिर। इसीलिए कोई मतलब अभी अति हो गई, पुरुषार्थ के गिरावट की अति हो गई अभी? अति तो अति होगी तभी तो अंत होगा। अति होने से पहले अंत हो जाएगा क्या? पुरुषार्थ में जो गिरावट आ रहा है, इसे मतलब वो अभी और तेजी से गिरावट तेजी से आ जाएगी आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरे गिरावट का ही टाइम चल रहा है तो अच्छी तरह से जर लो, ये मतलब नहीं है। क्योंकि कलयुग के अंत में भी, कलयुग अंत की शूटिंग में भी, भले कलयुग अंत की शूटिंग चल रही, लेकिन कोई तो बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो पुरुषार्थ में और तीखे हो जाते हैं। जितना माया प्रकोप करती है, हमला करती है, उतना ही उनका पुरुषार्थ और भी तीखा हो जाता है। तो हमें वैसा बनना है कि हमें ये सोचना, अरे तो टाइम ही ऐसा चल रहा है। तो टाइम के अनुसार परिवर्तन होने वाला बनना है या टाइम को परिवर्तन करना है? टाइम तो, समय तो जड़ है, है? और हमारी आत्मा तो, हमारी आत्मा तो चैतन्य है। तो चैतन्य में ज्यादा ताकत या जड़ में ज्यादा ताकत? चैतन्य में ज्यादा ताकत। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए अभी तो टाइम ही ऐसा चल रहा है, तमो प्रधानता का टाइम चल रहा है, अभी तमो प्रधानता तो तमो प्रधान तो बनना ही है, दुनिया ही तमो प्रधान है तो हम भी तमो प्रधान बने? नहीं, तमो प्रधान है टाइम, लेकिन बाप आया हुआ क्या क्या नशा हो है? तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने वाला बाप आया हुआ है सर्वशक्तिमान। माया सामने आ जाती है बुद्धि में, अरे माया आ गई अब हम क्या करें? अरे माया आ गई, लेकिन माया का अपोजिशन करने वाला भी तो है हमारे साथ, अब ये हमारी उपाय है। जैसे भी मतलब ऐसे सुना है कि जैसे अष्टदेव की प्रत्यक्षता के साथ जो अष्टदेव संपन्न हो गया उनके सहयोग से और बाकी बच्चे भी, उनका भी मदद मिलेगा, इससे मतलब इसमें क्या रहा देता? क्या जैसे अष्टदेव जो प्रत्यक्ष होंगे संपन्न होंगे तो उसके वो हम लोग के लिए भी सहयोग बनेगा, क्यों बच्चे के लिए? पूर्वजों को सारी दुनिया फॉलो करती है क्या? पूर्वजों को सारी दुनिया फॉलो करती है ऐसे तो बाबा तो साथ में ही है,
बाबा के साथ साथ जो अश्वरतन है वो भी रतन अलग अर्थ देव अलग रतन वो है जो बारह बारह ग्रुप के मुखिया हर धर्म के बारह बारह के ग्रुप है मुखिया में उनका जो मुखिया है वो रतन क्या और जो अष्टदेव है वो सब धर्मों में से चुने जाएंगे या सूर्यवंश में से चुने जाएंगे तो देवता है ना देवता तो सूर्यवंश ही होते तो वो सूर्यवंश जो है अष्टदेव है क्या कह रहे थे अष्टदेव के बारे में के बारे में क्या अष्टदेव के बारे में उसके तरह से हम लोग की पुरुषार्थ में और तीव्रता आएगी पीछे जाके फिर हम लक्ष्य की और तीव्र गति से पहुंचेंगे ठीक है आएगी इसका मतलब ये है हम ठंडे ही होके बैठ जाए क्या जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे वो सूर्य के सहयोगी बनेंगे या ठंडे होके बैठ जाएंगे सहयोगी बनेंगे दूसरे धर्म के होंगे तो ठंडे होके बैठेंगे सूर्य वंशी का भारत का ध्रुव जो है उसका तार छोड़ करके जो है उसी का अष्टदेव उसी उसी का बंसी में खा जाता है ना और जो बारह ग्रुप है पहला वाला सूर्यवंशी का उसी को तार छोड़ करके आठ को अष्टदेव का गिनती होता है ना छोड़ करके बारह में आठ निकालने वाला अष्टदेव बारह में से जो आठ अष्टदेव है वो कोई है ना दूसरा होगा अष्टदेव वही होंगे तो दूसरे धर्म में से होंगे अष्टदेव मैं दूसरा धर्म तो नहीं कर रहा हूँ फिर अब ध्यान सुन के कोई होगा ना कहीं रास्ता ये बता रहा है जो बारह ग्रुप है सूर्यवंशी ये बारह का ग्रुप से ही अष्टदेव निकलेंगे या अलग दूसरे बन के निकलेंगे आज से बारह ज्यादा पावरफुल होंगे ये बारह के बाद वाले ज्यादा पावरफुल होंगे बारह ज्यादा पावरफुल होंगे और चार से किस चीज से गिर रहे हैं शिव बाबा आते हैं तो कितनी मूर्तियां लेकर के आते हैं तीन मूर्तियां लेकर के आते हैं कौन कौन से काम करती है स्थापना पालना बिना तो स्थापना वाले भी होंगे तो पालना वाले भी होंगे तो विनाश करने वाले भी तो होंगे फर्क कर वो भी एक काम है कि नहीं तो विनाशकारी मूर्तियां भी होनी चाहिए चाचा डिवाइड हुआ क्या डिवाइड हुए अष्टदेव में तीन का तो लगभग पहचान हो चुका है तीन की हो चुकी अब लगभग एक का तो पतक से होने बाकी है कैसे सूर्यवंशी का अष्टदेव में पांच छोड़ के तीन तो इसी मूर्ति का ग्रंथि में नहीं आएगा तीन कैसे प्रत्यक्ष हो गए अभी बिना तो नहीं पत्थर के नहीं हुए लेकिन पहचान तो हुए अच्छा तो पहचान भी बता रहे हो कौन कौन से तीन पहचान पहचान में आ गए एक तो वैष्णवी देवी जो है वैष्णवी देवी वो सूर्यवंशी है चंद्रवंशी है सूर्यवंशी तो अब पत्थर से होने में तो दो छोटे थे छह पत्थर से होने पड़ेगा ना बाबा जी आठ में जो पत्थर थे आठ नौ में जो होगा ठीक है चलो दो प्रत्यक्ष हो गए तो भी तुम्हारी मुँह में ठीक है तो सब विनाश होगा तो मान जाओगे तीनों देखने पाएगा विनाश है ना विनाश तीनों देखने का पाएगा तो टीवी तो लाइन से देखेगा तब कौन लाइन तो लाइन होता है कि बिना लाइन होता है लाइन से लाइन होती है तार की टीवी देखते हैं तो टीवी लाइन के आधार पर देखा जाता है कि बिना लाइन के देखा जाता है लाइन के आधार पर देखा जाता है तार की लाइन आती है टीवी जब देखते हैं तो तार की लाइन आना जरूरी है नहीं जरूरी है ये बिजली का लाइन आ रही है ये बिजली की लाइन भी जरूरी नहीं है टीवी देखने के लिए आजकल सौर ऊर्जा निकली हुई है क्या हाँ और सूर्य की प्लेट होती है प्लेट में सूर्य की सारी किरणें ताकत भरती है और उस किरण से और टीवी देखा जा सकता है वैसे ही फुल हो जाती है टीवी देखा जा सकता है लाइन की जरूरत नहीं है हाँ माउंट आबू में तो बहुत बड़ा सौर ऊर्जा के अंदर बनाया हुआ है बहुत जबरदस्त बनाया हुआ है अब ये देख रहा हूँ ये जो ये तो धर्म में है हमें सुना है ये कितने सर से लेकिन हम कुछ सिखाता हूँ कि
योग योग से बात कर रहा है, सुना है अभी छोटे संप्रदाय धार्मिक संप्रदाय में वो शास्त्र के स्टेज में है ना, छोटे छोटे मठपंथ जो आए हैं वो अभी शास्त्र के स्टेज में आए हैं या पुराने हैं, पुरानी आत्माएं, वो 5000 वर्ष पुरानी आत्माएं हैं या ऊपर से उतरी हुई नई आत्माएं नया मठपंथ स्थापन करने वाली है? नई नई आत्माएं है ना, तो उनमें शास्त्र के स्टेज इसलिए है उनकी, वो शास्त्र के स्टेज में होने के कारण वो करिश्मा दिखा सकती है क्योंकि उनकी आत्मा शास्त्रिक है, तत्व प्रधान है इसलिए। और हमारी आत्मा, हमारी आत्मा तमो प्रधान है क्योंकि हम 5000 साल पुराने हैं, हमको प्रैक्टिस करने में अभी योग की पक्की प्रैक्टिस करने में अभी टाइम लग रहा है, तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वहाँ भगवान आया हुआ है उनमें इतनी ताकत है, योग की बात कर रहे हैं। ये साबित होता है कि बिना हम उसके बेकार किताब वायरलेस के हम बात कर सकते हैं, जब हमारी आत्मा एकाग्र हो जाएगी पूरी, एकाग्रता की पूरी पावर आ जाएगी तो हम दूर बैठे भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं योग के माध्यम से। हाँ जी हाँ जी, आपकी गलत जब तक उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा गीता का भगवान कौन, हाँ जब तक गुलजार वादी का उपीठा नहीं जोड़ेंगे वो है स्थूल, स्थूल रूप में गुलजार वादी अभी बात पर जो बाबा का पाठ जो है अभी गुप्त चल रहा है ना बाबा, जो मुरली ने सुना है अभी बात का पार जो है बुक चल रहा है, अंत में ऐसा बात पावरफुल दृष्टि देंगे तो तुम बचो ठहर ना सको ऐसा बात, ठीक है तो वो एडवांस के लिए नहीं जो बोला गया है, तो बच्चों ठहर ना सको तो ज्ञान की अनिश्चय हो जाएगी, अनिश्चय होते ठहर ना सको तो मतलब दृष्टि ले नहीं सकोगे, बाबा कितना पावर भाग जाएंगे नहीं ऐसा। भक्ति मार्ग में गायन है, दाता के दरबार में सब लोग को खाता जो देते करेंगे उसे फल पाता, दाता के दरबार में सब लोग का खाता, सबका खाता, सबका खाता, हाँ जो देते करेंगे उसे फल पाता, ठीक है दाता का दरबार अभी चल रहा है ना, हाँ दाता बता दिया है कैसी करनी करनी है, नहीं करते हैं तो वैसा फल पाएंगे, हाँ ब्राह्मणों को अनिश्चय बुद्धि होना भी है टाइम पर, माया विकराल रूप धारण करेगी, फाइनल परीक्षा लेगी तो नंबर कैसे निकलेंगे, अरे नंबर डिक्लेयर होने की नहीं है तो कैसे नंबर निकलेंगे, ये 8 है, ये 108 है, ये 1008 है, ये 16108 है, ये 100,000 है, ये 900,000 है, ये कैसे पता चलेगा जब अनिश्चय बुद्धि आएगा तो निश्चय बुद्धि भी तो आना पड़ेगा ना, निश्चय कैसे होगा फिर, निश्चय बुद्धि कैसे आएगा, अनिश्चय बुद्धि आएगा तो निश्चय बुद्धि भी तो आना चाहिए ना, अच्छा रात के बाद दिन आता ही नहीं आता है, निश्चय बुद्धि भी आ जाएगी, माया जब तक प्रभाव डाल रही है तब तक अनिश्चय बुद्धि है, और माया लड़ाई लड़ना बंद कर देगी, जैसे अभी बोल दिया माया अभी अब थक चुकी है, थक चुकी है तो जो आदमी लड़ाई लड़ते लड़ते दो पहलवान उनमें कोई एक थक जाए तो आखिर कितनी देर तक लड़ाई लड़ेगा, वो अभी थक रहा है, अभी ही थक रहा है तो इसका मतलब थोड़ी देर और लड़ाई लड़ेगा, फिर किस बात पर निश्चय बुद्धि आएगा, किस बात पर निश्चय बुद्धि आएगा, वही एक ही बात गीता का भगवान को संसार का सामने बाबा का प्रत्यक्ष कब होगा, जब बच्चे की बुद्धि में प्रत्यक्षता हो है, जब कृष्ण बच्चा जिसमें प्रवेश करता है उसकी बुद्धि में प्रत्यक्षता हो,
शक्ति की जोर कैसे प्रवेश करती है? है? प्रवेश करके जगदम्बा का पाठ बजाने वाली है ना। वास्तव में तुम्हारी बड़ी मम्मी है ब्रह्मा है, परंतु तन पुरुष का है। तो वास्तव में तुम्हारी मम्मी कौन है? डब्बे को मम्मी कहोगे या आत्मा को मम्मी कहोगे? डब्बा कौन है और उसमें प्रवेश करने वाला हीरा कौन है जो माता का पाठ बजाने वाला है? कौन है? जगदम्बा में भी दो चीजें है ना, एक डब्बा है एक आत्मा है। डब्बा है, जगदम्बा है, जगदम्बा का डब्बा है। अच्छा, उसने सहन शक्ति का पाठ बजाया माता का? ब्रह्मा का डब्बा है। किसी ने जाकर के आठ बार को पढ़ा है ना, शुक्र शनि मंगल बुध ये जो है ना, रवि शुक्र शनि इन्हीं को कहा जाता होगा ना। क्या क्या कहा जाता है? जो किसी भी जानवर जो नौ रतन है वो दूसरे दूसरे धर्मों के हैं, दूसरे धर्मों के मुखिया है, वो ज्यादा पावरफुल आत्माएं हैं या अष्टदेव ज्यादा पावरफुल आत्माएं होती है दुनिया में? जो जो ग्रह है वो ज्यादा पावरफुल है, जो असुर है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं या देवताएं ज्यादा पावरफुल होते हैं? देवता ज्यादा पावरफुल। तो भगवान आता है सब पावरफुल होते हैं ना, अपनी पावर से ज्यादा पावरफुल कौन होते हैं? उन लोग का शक्ति ज्यादा होता है, उनकी असुरों की शक्ति ज्यादा होती है। तो असुरों में जो नौ धर्मों में से जो आठ धर्म है बाद वाले वो सब आसुरी धर्म है ना? क्या आसुरी धर्म है? चाहे चंद्रवंश हो चाहे इस्लाम धर्म हो, चंद्रवंश भी जब सूर्यवंश से मिल जाता है तो देवता बन जाता है। ध्यान चंद्रमा ब्रह्म है, ये क्योंकि आदि में थे प्रजा पिता जब तक था तब तक सिंध हैदराबाद में आराम दिए कि बढ़िया बच्चा चला। जब वो विरोधी हो गया तो ब्रह्मा से भागना पड़ा। धार के चित्र में पिता को दाई ओर बाई ओर दिखाया गया है कि माता को दाई बाई ओर दिखाया गया है? माता को दाहिना और पिता को बाई ओर। तो पिता दुर्योधन तो शासन के ग्रुप में हुआ हुआ ना, और माता जो है वो द्रौपदी और सीता की लिस्ट में हुआ है ना ब्रह्मा। तो जो पिता जो बाया ओर का जो है वो सारा आसुरी संप्रदाय है क्या? तो सब दुर्योधन जो शासन है, और माताएं कोई कोई सुपन का पुत्र होती है, बाकी सब अच्छी होती है। माताओं कन्याओं में प्योरिटी ज्यादा होती है, उनको ड्रामा में बैठे हुए तो होते रहे। हाँ, तो जो आसुर है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, और जो देवताएं हैं जब कर्म कल्प में उनका भगवान आता है तब पावरफुल बनते हैं। बाबा है कल्प कल्प में उनका ड्रामा वो भी चलते रहे। कल्प के चलता है आधा कल्पी पे चलता है असुरों का पाठ। तुम तो सारे कल्प बनाए दे रहे आधा कल्प असुर पावरफुल और आधा कल्प देवताएं पावरफुल। नहीं कल्प न आने पर तो आधा बोला आता है, कल्प आएगा ना तो ये असुर शक्ति का बात है। असुर शक्ति जो आठ शक्ति से कुल कुल पड़ता है, आठ शक्ति में कुल कुल होगा। कौन कौन होगा? अष्टदेव ही होंगे। अष्टदेव है तो अष्टदेवियां नहीं होंगी है? अष्टदेव है तो अष्टदेवियां नहीं होंगी।
बाबा जब माया का हुआ बहुत ज्यादा हो जाता है उस समय क्या करना चाहिए? हो गया गलत यही बोल रहे बाबा को याद से क्या माया को बिल्कुल है खूब ईश्वर की सेवा में लग जाना चाहिए भाई जिसका काम करेंगे उसकी याद नहीं आएगी है राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री हमको पर्सन लाकर कोई काम दे के जाए ये काम करो और हम वो काम करना शुरू करेंगे तो काम करते करते उसकी याद आएगी भी नहीं तो बाबा ने भी हमको सेवा दी है आगे बढ़ाना है इसलिए सेवा करेंगे तो बाबा की याद आएगी बाबा खुद ही हमको याद करेगा सबसे उन बच्चों को याद करता हूँ आप भी जब राजा बने होंगे और पीछे आपकी प्रजा पड़ी होगी कि हमारा ये काम कर दो ये काम कर दो ये बात अच्छी ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं तो मुँह फिर भाग जाते होंगे दौड़ के भाग जाता है दौड़ के भाग जाते होंगे अपना नई बात राजा पूरा नहीं करेंगे उनकी सेवा करते हैं वो फर्श जाके दीदी जाके वो बता देते हैं तो ड्रामा है तो अगर पता नहीं हो सकती है ड्रामा कहीं अदर बदल होता है ड्रामा जैसा है वैसा ही चलेगा मालूम थोड़े ये कैसा चला था 5000 साल ये मालूम है कि 5000 साल ड्रामा कैसा चला था हाँ? नहीं हमें अपना ड्रामा मालूम है कि हम कैसे चलेंगे हम ड्रामा में कैसे चलेंगे ये पता है हीरो का पार्ट था हमारा हम हीरो पार्टधारी थे कि नहीं हीरो और जो पाठ की बात आ गई ना तो उन्होंने बताया कि आगे जाकर तुम बच्चों को 84 जन्म का पाठ पूरा क्लियर होगा मतलब किस हिसाब से होगा और बच्चे कैसे पहचानेंगे कि मेरा 84 जन्म का ये पाठ मतलब साक्षात्कार होगा या ज्ञान के हिसाब से कैसे क्लियर होगा? राज परिवार में बच्चा जन्म लेता है ना छोटा बच्चा जब तक रहता है क्या बच्चा बुद्धि है मतलब ज्ञान कम है तो नहीं समझेगा जैसे बच्चा बड़ा होगा सालिम बुद्धि होगी बालिक बुद्धि बनेगा तो समझेगा कि मैं कौन हूँ अपनी अहमियत समझ में आएगी कि नहीं वो किसके आधार पर समझेगा उसके समझने का आधार क्या होगा? राजकुमार है तो राजा का कुमार हुआ ना तो बुद्धि में आ गया ना मैं राजा का बेटा हूँ स्कूल का हूँ बुद्धि में पास क्लियर होगा ना भी है जो भी जिस धर्म का होगा और उस धर्म के धर्म पिता का उसको पता चल जाए तो उसको नशा करेगा कि नहीं करेगा वफादार बन जाएगा उसका ऐसे यहाँ भी है तो नौ लाख को नहीं पता होगा जितने भी पार्टधारी है उन सबको पता चलेगा अपने अपने पार्ट का एक जन्म लेने वाली आत्मा होगी उसको भी पता चल जाएगा कि मेरा एक जन्म होने वाला है इस रंग में तो आत्मा पार्टधारी है कि नहीं तो रंगमंच में जो पार्ट बजाता है अगर उसे अपना पार्ट याद ना हो तो बुद्धू एक्टर कहा जाता है पार्ट तो याद होगा तभी तो पार्ट बजाएगा नहीं बजाएगा कैसे ज्ञान नहीं है ना कैसे अभी नहीं है अभी नहीं है आगे चल के जब विनाश होगा ताबड़तो चारों तरफ दुनिया में तो ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सारी दुनिया में ज्ञान फैलेगा कि नहीं फैलेगा यही धंधा थोड़ी चलते रहेंगे पेट के ज्ञान का धंधा ज्यादा चलेगा नंबर 2000 के पीछे ऐसो जो ऊपर है
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौबीस काल से रहे, चारों तरफ काली कार मंडरा हो रहा होगा और आदमी को अपनी मौत सामने नजर आएगी तो ज्ञान में बुद्धि लगेगी कि वो पैसा बैंक में बचाने की बुद्धि लगाएगा? मधुबन में हम लोग का जो 4.5 लाख का जो चलता है जो चलता है वह 4.5 लाख जब इकट्ठा होने के बाद में जो चलता है उस टाइम का वो 4.5 लाख का 36 का बाद में वो गड़बड़ी होने के बाद में दिल्ली राजधानी स्थापना वो अक्षर आ जाएंगे ना वो जो करने लगे आज ना जीवन मुक्ति वाला ग्रेनाइट पत्थर का पहाड़ वो भी कड़कड़ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आखिर में वो ग्रेनाइट पत्थर का जो पहाड़ बना है माउंट आबू वो भी कड़कड़ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो भी टूट हो जाएगा नहीं कैसे पूरा हुआ सब सारे धारी है इसका सारे जो है सारे नंबर वन अपने अपने टाइम पर दिल्ली पहुंच जाएंगे दिल्ली बिना से होगा नहीं है मेरे जहाँ सत्व प्रधान आत्मा है जिन्हें विकार का हाथ ही नहीं रहा हाथ ही नहीं है विजय पा चुकी है कर्मेंद्रियों के ऊपर विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर चुकी है विजय माला की मर्दा बन चुकी है तो उनके ऊपर प्रकृति का प्रकोप हुआ देवताओं की दुनिया में प्रकृति का प्रकोप होते हैं होते ही नहीं है? अरे महाकाली असुरों का संहार करेगी देवताओं का संहार करेगी है फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता तोड़ लेंगे बुद्धियों का रिश्ता टूट जाए है? एक बाप को याद करे दूसरा को याद ही ना आए देह का संबंधी देह का संबंधी याद आते रहेंगे तो फरिश्ता नहीं बनेंगे है रजनी माने रात ईश माने ईश्वर रजनी तो माने रात का ईश्वर रात का ईश्वर सितारे होते हैं कि चंद्रमा होता है चंद्रमा रात का ईश्वर होता है तो हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में रात अज्ञान रात का ईश्वर कौन है जिसकी बुद्धि में बात बैठती नहीं ज्ञान रात हो गया ब्रह्मा की रात चल रही है कि दिन चल रहा है ब्रह्मा की अज्ञान की रात चल रही वो रजनी है असली जब देह का वो भी मर गया वो भी मर गया आप जब राजा बने होंगे और आपने फरमान जारी किया होगा और वो फरमान गलत था देहंकार में आकर के कोई गलत फरमान जारी कर दिया और उन्होंने आकर के आपको समझाने की कोशिश की होगी तो आपने उनकी बात सुनी होगी या नहीं सुनी होगी है कि सुनी अनसुनी कर दी होगी है राजा अहंकार में आते थे तो किसी की बात सुनते थे या नहीं सुनते थे नहीं सुनते थे एग्जाम का पूरा नहीं करेंगे हैं सच्ची बात कहेगा रामचंद्र और उन्हें अच्छी नहीं लगेगी तो अपने उठ करके रविवार में चले जाएंगे ऐसे यहाँ यहाँ भी तो उनको अच्छी बात सुनाते हैं